Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel My Paathshala by Neetu Nigam. आज मैं क्लास सेकेंड के लिए कंप्यूटर प्रैक्टिकल्स लेकर आई हूँ. क्लास सेकेंड के बच्चे कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्या कर सकते हैं इस पर हम देखेंगे. जनरली कंप्यूटर प्रैक्टिकल में क्लास टू के बच्चों को ड्राइंग एमएस पेंट पर कुछ शेप को ड्रॉ करना सिखाया जाता है और उससे उन्हें परिचित कराया जाता है. तो आज की वीडियो में हम क्या जानेंगे, पहले ये देख लेते हैं. हाउ टू ओपन एमएस पेंट, एमएस पेंट को हम ओपन कैसे करेंगे, पार्ट्स ऑफ विंडो, यानी एमएस पेंट के जो विंडो है उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है. नेक्स्ट, ड्रॉ रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल एंड स्क्वायर को कैसे हम ड्रॉ करेंगे. फिर हम सीखेंगे ड्रॉ और सर्कल, ड्रॉ और लाइन, ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस, अलग अलग थिकनेस के लाइन को हम ड्रॉ कैसे करेंगे. पेंट बाय ब्रश टूल्स, ब्रश टूल्स से हम पेंटिंग कैसे करेंगे. फिलिंग कलर्स इन शेप, शेप में कलर्स, शेप को हम फिल कैसे करेंगे, अलग अलग कलर से कैसे शेप को हम फिल करेंगे. इरेजर ड्राइंग, ड्राइंग को हम इरेज कैसे करेंगे. इरेजर साइज इंक्रीज और डिक्रीज, इरेजर साइज को हम इंक्रीज या डिक्रीज कैसे करेंगे. और लास्ट में इन सभी शेप को जो हमने सीखा है उन शेप से हट कैसे बनाएंगे, यूजिंग लाइन रेक्टेंगल ओवल शेप को यूज करते हुए इस प्रकार का हट हट कैसे बनाएंगे. तो चलिए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं. सबसे पहले हम डेस्कटॉप पर आ जाते हैं. सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है, स्टार्ट. नेक्स्ट हमारा हो जाता है ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज और पेंट. चार स्टेप में ये अपना खुल जाता है, स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, एसेसरीज एंड क्लिक ऑन पेंट. ये चार स्टेप में हम हाउ टू ओपन एमएस पेंट जान पाए हैं. चलिए इस पे हम डबल सिंगल क्लिक करते हैं और ये हमारा ओपन हो जाता है. यहाँ से हम इसको मैक्सिमाइज कर लेते हैं. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये हाफ ही वाइट सीट हमें दिख रही है, तो इसको पूरे विंडो पे लाने के लिए हम जाते हैं व्यू पे और यहाँ से जूम इन कर देंगे तो ये पूरा वाइट एरिया हमें मिल जाता है. अब इसके टूल्स को हम समझ लेते हैं, होम टूल्स पे जाते हैं और इसके टूल्स को समझ लेते हैं. ये वाइट एरिया जो पूरा पेज दिख रहा है इसको हम ड्राइंग एरिया कहते हैं. नेक्स्ट जो है ये अपना यहाँ पर ये सेव टूल्स कहलाता है. नेक्स्ट ये हमारा हो जाता है टूल्स और ये ग्रुप हो जाते हैं इमेज ग्रुप और ये क्लिप बोर्ड कहलाता है. एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो है आप कलर्स देख पा रहे हैं. एक मिनट इस बॉक्स को मैं नीचे ले लेती हूँ. अब ये जो है हमारा कलर बॉक्स है और ये एरिया जो आप पूरा व्हाइट पेज देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग एरिया बोलते हैं. पूरा यहाँ तक ये चला जाएगा, पूरा ये ड्राइंग एरिया पूरा यहाँ तक जाता है, ये पूरा ड्राइंग एरिया कहलाता है. चलिए अब हम सीखेंगे कि इसमें शेप कैसे ड्रॉ करते हैं. इसको हम पहले हटा देते हैं फिर आपको हम बताते हैं कि शेप कैसे ड्रॉ करेंगे. ये हमारा सेव टूल्स है. सेव टूल्स में जैसे ही आप माउस को ले जाते हैं हर सेव के नाम आपको लिखे हुए आ जाते हैं. देखिए ये लाइंस, फिर हम सेव को अगर इधर ले जाते हैं ये हो जाता ओवल सेव, ये हमारा है रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल. ठीक है, तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल सेव देखते हैं कैसे ड्रॉ करेंगे. सबसे पहले इसको हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये येल्लो हो जाता है. जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर हम ऐसे ड्रॉ कर लिए. सबसे पहले हमने रेक्टेंगल शेप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करते हुए स्क्रीन पर ड्रैग करेंगे तो ये, और उसके बाद माउस को छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाता है रेक्टेंगल शेप. रेक्टेंगल शेप से ही आप स्क्वायर शेप को भी माउस को लेफ्ट प्रेस करते हुए धीरे से ड्रैग करेंगे तो ये स्क्वायर शेप हो जाएगा. नेक्स्ट फिर ये हमारा हो जाता है राउंडेड रेक्टेंगल्स. इसमें कॉर्नर साइड के जो है थोड़े से राउंडेड होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस है, ये राउंडेड रेक्टेंगल हो गए. नेक्स्ट हमारा शेप हो जाता है ओवल शेप.
ओवल शेप जो है इस प्रकार का होता है, और इसी प्रकार अगर आपको सर्कल लेना है तो वापस ओवल शेप से ही हम सर्कल बनाएंगे। तो ये आपने शेप्स देख लिए, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे शेप्स हैं जिसको आप अलग अलग ड्रॉ करके देख सकते हो, पेंटागोन, हेक्सागोन, फिर स्टार शेप्स, इस तरह आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब हम जानेंगे शेप को ड्रॉ करने के बाद इसको हम फिल कैसे करेंगे। फिल करने के लिए देखिए यहाँ पे हम टूल्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर ये फिल बॉक्स है, फिल विथ कलर, यानी कलर से इसको फिल करना है। डब्बे पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए जैसे ही हमने डब्बे पे क्लिक किया ये हाईलाइट येलो कलर से हो गया, अर्थात इसका मतलब है कि ये ऑप्शन हमारा ऑन है। अब जिस भी कलर पे आप क्लिक करोगे वो कलर उस बॉक्स में चला जाएगा और जिस शेप पे आप क्लिक करोगे वो शेप उस कलर से फिल हो जाएगा। वापस हम देखिए दूसरे कलर लेते हैं, फिल बॉक्स ऑलरेडी हाईलाइटेड है तो वापस हम उस पर क्लिक ना करके दूसरे कलर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करेंगे कलर वन में वो कलर आ जाता है और फिर शेप पर हम क्लिक करेंगे वो शेप फिल हो जाता है। उसी प्रकार ब्लू कलर हमने लिया और राउंडेड रेक्टेंगल पर हमने क्लिक कर दिए। नेक्स्ट ये हेक्सागोन शेप है, इस पर हमने येलो पर क्लिक किया है, ग्रीन पे, और इस पर ग्रीन कर दिए। नेक्स्ट इसी प्रकार ब्लैक कलर हमने लिया और ओवल शेप पे क्लिक कर दिए। फिर सर्कल के लिए हमने ये ऑरेंज कलर लिए और इस पर क्लिक कर दिए, येलो ये ऑरेंज नहीं है। नेक्स्ट ऑरेंज हम लेते हैं और ये पेंटागोन पे क्लिक कर देते हैं। मिलता जुलता कलर हो रहा है, यहाँ पर आपको कलर को एडिट करना है तो यहाँ एडिट कलर पर जाएंगे और यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है इस पर क्लिक करेंगे, या फिर इस वाले बॉक्स को ऊपर नीचे करके पर्टिकुलर किसी भी कलर को आप डार्क या लाइट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने मान लीजिए पर्पल ले कर लिया तो पहले हमको यहाँ ओके करना पड़ेगा और फिर यहाँ पर वो कलर आ जाता है, फिर आप ओके करेंगे तो वो कलर फिल हो जाता है। तो इस प्रकार बच्चों आपने जाना कि कौन कौन से शेप होते हैं, इस शेप को हम ड्रॉ कैसे करेंगे और इसको फिल कैसे करेंगे। अब हम देखते हैं कि इस सारे को एक साथ हम हटाएंगे कैसे, पेज हम साफ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट टूल्स पे जाएंगे और ऑल सेलेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे क्लिक हो गए, और आप कीबोर्ड पे डिलीट की प्रेस करेंगे तो ये सारे डिलीट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें देखना है लाइन टूल्स। जैसे लाइन टूल्स को हमने ड्रॉ किया और यहाँ पे लाइन टूल्स की थिकनेस हमें देखनी है कि अलग अलग लाइन टूल्स की थिकनेस कैसे हम कम ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे साइज दी गई है, जिस तरह आप अलग अलग रखते जा रहे हो लाइन की थिकनेस कम और ज़्यादा आपकी होती जा रही है। जिस पे आप क्लिक कर दोगे उतनी थिकनेस इस पर आ जाती है लाइन की थिकनेस के बाद। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका, ये है कि पार्टिकुलर अगर सिर्फ इस शेप को डिलीट करना है तो सेलेक्ट टूल्स पे जाएं और राउंडेड रेक्टेंगल को सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें कीबोर्ड से, तो उतना दूर भी ये डिलीट हो जाएगा। अब हम सीखेंगे ब्रश टूल्स क्या होता है। डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे ब्रश टूल्स दिए गए हैं। देखिए ब्रश ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अलग अलग ब्रश है। जैसे ही इस पे आप माउस ले जाएंगे उसके नाम लिखे हुए आ जाते हैं। पहला है ब्रश टूल्स, ये इस तरह ड्रैग होगा। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरह ड्रैग हो रहा है। नेक्स्ट हमारा कैलियोग्राफी टूल्स वन होता है एंड दूसरा हो जाता है कैलियोग्राफी टूल्स टू। जैसे ही आप इस पे माउस रखिए देखिए नाम लिखा हुआ आ रहा है कैलियोग्राफी ब्रश वन, कैलियोग्राफी ब्रश टू। नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है एयर ब्रश। जैसे कोई भी चीज़ पे आप स्प्रे करते हो उसके लिए एयर ब्रश यूज होता है। नेक्स्ट हो गया ऑयल ब्रश। ऑयल ब्रश से जिस प्रकार हम पेंटिंग करते हैं उस तरह का ये ऑयल ब्रश शो होगा। नेक्स्ट हमारा हो जाता है क्रेयॉन। क्रेयॉन जब आप ड्राइंग करते हो क्रेयॉन पेंसिल से कलर करते हो तो इस तरह की कलर शो होती है, तो ये क्रेयॉन कलर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट मार्कर, बोर्ड पे जब वाइट बोर्ड पे मार्कर जो यूज होता है उस तरह का ये मार्कर बच्चों दिख रहे हैं। एंड ये हमारा हो जाता है नेचुरल पेंसिल। जैसे नेचुरल पेंसिल में आप अपना नाम लिखना चाहते हो, ए से आपका नाम स्टार्ट होता है तो देखिए इस प्रकार लिखा रहेगा, और अगर एन लिखना है तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल पेंसिल से जैसे हम लिखते हैं उस तरह शो होता है।
एंड लास्ट हमारा हो जाता है ये वाटर कलर ब्रश। वाटर कलर पे जैसे आप कोई चीज कलर करते हो तो उस तरह वाटर कलर ये शो होता है। तो ये थे ब्रश के बारे में। चलिए अब हम जानेंगे इरेजर टूल्स। इरेजर टूल्स में हम जानेंगे कि कोई भी शेप को या कोई भी ड्राइंग को आप इरेज कैसे करेंगे और साथ ही इरेजर की साइज बड़ी या छोटी कैसे करेंगे। ये हमने रेक्टेंगुलर शेप ले लिया है और इसको हमने ये कलर से फिल कर दिया है। अब हम इरेजर टूल्स लेंगे और इरेजर टूल्स से हम इस ड्राइंग को कैसे मिटाएंगे ये हम देखते हैं। इरेजर टूल्स में आप देख पा रहे हैं ये छोटा सा शेप दिख रहा है। अगर हमको इरेजर के साइज को बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ हम प्लस दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये इरेजर की साइज बढ़ जाती है। अगर हमको छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में माइनस को प्रेस करेंगे तो ये साइज छोटी हो गई। प्लस के साथ बढ़ जाती है, माइनस के साथ छोटी हो जाती है। जैसे हाफ हमको फास्ट रिमूव करना है इसको तो हमने साइज बड़ी कर ली। ये हमारा इरेजर टूल से साइज बड़ा हो गया और इसको हमने इरेज कर दिया। अगर छोटा करना है तो कंट्रोल के साथ माइनस कर देंगे। तो ये थे इरेजर टूल्स। अब वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमने लिखा था कि हट कैसे बनाएंगे रेक्टेंगुलर शेप और लाइन शेप के साथ कैसे ड्रॉ करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अवश्य बताएं और नेक्स्ट वीडियो अलग अलग शेप में आपको प्रैक्टिकल्स की बताएंगे तो ये से देखना ना भूलें। थैंक यू।